नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में और हमारे चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि जो PWD और JP अनएम्प्लॉयड इंजीनियर रहते और जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर रहते, इनमें डिफरेंस क्या है, इन दोनों लाइसेंस में डिफरेंस क्या रहता है, आज यही टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू कर। जो अनएम्प्लॉयड इंजीनियर का लाइसेंस रहता है उस पर स्टार्टिंग में स्मॉल स्केल और स्मॉल अमाउंट के ही काम आपको मिल सकते हैं, मतलब 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख के काम मिल सकते हैं, जो रिपेयरिंग मेंटेनेंस और अदर काम, छोटे मोटे गटर के काम रहते हैं। पर आपको जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं उनको स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर मिलते हैं, स्मॉल अमाउंट के बिग अमाउंट के भी काम मिलते हैं, मतलब और स्मॉल अमाउंट के भी काम ले सकते हैं। बिग अमाउंट के काम मतलब ब्रिज बना सकते हैं, रोड बना सकते हैं, 1.5 करोड़ 2 करोड़ के ऐसे बड़े बड़े काम वो ले सकते हैं। यह डिफरेंस इन दोनों में रहता है काम के बारे में, बिग स्मॉल स्केल के काम, बिग स्केल के काम, ये दो डिफरेंस उन अनएम्प्लॉयड इंजीनियर लाइसेंस और जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस रहता है, ये डिफरेंस रहता है। उसके बाद बात आती है प्रॉफिट की। जो अनएम्प्लॉयड इंजीनियर का लाइसेंस रहता है उनका काम कम रहता है, क्वांटिटी कम रहती है, अमाउंट कम रहती है, और जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं उनके काम बड़े बड़े रहते हैं, तो इसलिए उनका प्रॉफिट भी ज़्यादा रहते हैं। अनएम्प्लॉयड इंजीनियर के जो लाइसेंस रहते हैं उन पर प्रॉफिट कम रहता है, तो ये डिफरेंस है, इनका प्रॉफिट कम रहता है और इनका प्रॉफिट ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनकी काम की अमाउंट ही बड़ी होती है, 2 करोड़ 3 करोड़ ऐसी काम की अमाउंट रह सकती है, तो उनका प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। अब बात आती है काम एलोकेशन की। अनएम्प्लॉयड इंजीनियर कैटेगरी के एक स्पेशल काम एलोकेट होते हैं, वो कम स्केल के रहते हैं, पर वो खास अनएम्प्लॉयड इंजीनियर की कैटेगरी के रहते हैं, मतलब वो सिर्फ काम अनएम्प्लॉयड इंजीनियर लाइसेंस धारक ही कर सकता है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर सकता है। और नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर के लिए ऐसे कोई कैटेगरी नहीं कि उनके लिए सिर्फ काम रहते हैं, ये एक पॉजिटिव साइड है अनएम्प्लॉयड इंजीनियर लाइसेंस धारकों के लिए, मतलब उस जो भी काम रहता है, जो टेंडर फॉर्म रहता है उस पर एक मेंशन क्या रहता है कि ये काम सिर्फ अनएम्प्लॉयड इंजीनियर के लिए है, मतलब वो काम सिर्फ अनएम्प्लॉयड इंजीनियर कैटेगरी के लाइसेंस धारक ही कर सकते हैं, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस धारक वो काम नहीं कर सकते, ये उधर मेंशन किया रहता है। यही बड़ा डिफरेंस है अनएम्प्लॉयड इंजीनियर लाइसेंस धारकों के लिए और नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस के लिए, आप ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखें। उसके बाद जो अनएम्प्लॉयड इंजीनियर का लाइसेंस रहते हैं उनको ऐसा कुछ मोर डिटेल में जाना नहीं पड़ता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, उनको जो बेसिक डॉक्यूमेंट रहते हैं वही आपको सबमिट करना पड़ता है, वही आपको दिखाना पड़ता है। इधर आपको ओनली ये प्रूफ करना पड़ता है कि आप बेरोजगार हो, अनएम्प्लॉयड इंजीनियर कैटेगरी में आते हो, यही आपको सिर्फ प्रूफ करना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं प्रूफ करना पड़ता है, ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करना पड़ता है। और जो आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट मांगती है कि कौन से डॉक्यूमेंट अनएम्प्लॉयड इंजीनियर के लिए रहते हैं, तो मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक डालता हूँ, आप उधर से देख सकते हो। जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं, जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, उनको जो नॉर्मल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट रहते हैं वो तो सबमिट करना पड़ता है, पर एक्स्ट्रा आपको लेबर सर्टिफिकेट करना पड़ता है, मशीन एंड टूल का सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है, आपका वर्क एक्सपीरियंस वो सबमिट करना पड़ता है, GST सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है, ऐसे ज़्यादा एडिशनल सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ता है, जो कि अनएम्प्लॉयड इंजीनियर कैटेगरी को सबमिट नहीं करना पड़ता है। ये इधर डिफरेंस आपको मेंशन किया हुआ है। तो इधर अनएम्प्लॉयड इंजीनियर के बारे में कहना चाहूँ तो ये क्या कह सकता हूँ कि वो काम भले ही कम अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, पर वो बाद में बड़े अमाउंट के भी काम ले सकते हैं, अपना फाइनेंशियल बैकअप दिखाकर, अपना मशीनरी लेबर रिपोर्ट सब दिखाकर आप ओपन लाइसेंस के भी काम कर सकते, तो यही मैं दरख्वास्त करता हूँ और यही बताना चाहता हूँ कि अनएम्प्लॉयड इंजीनियर और जो मेन कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं, ओपन कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं, इनमें ये फ़र्क रहता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप कम कॉन्ट्रैक्टर हो तो आप बड़े नहीं हो सकते, ऐसा कुछ नहीं है, आप मिनिमम अमाउंट के स्मॉल स्केल के काम करके बाद में आप बड़े भी हो सकते हो, आप एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पर आप बड़े हो सकते हो। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, चैनल को और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हाँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।